नमस्कार दोस्तों, मैं नवर्तन आपका एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक किंवदंती प्रचलित है कि जो भगवान शिव है उसके नंदी को भीलों ने मारा। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो इसके प्रति लिखे हुए काफी लेख मिल जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो काफी वीडियो मिल जाएंगे। अगर हम इस टॉपिक को गौर से देखें तो इसके पीछे की सच्चाई मुझे कुछ और ही नजर आती है कि शिव एक आदिवासी भील योद्धा थे, तो उनके खिलाफ अपने ही लोग साजिश क्यों करेंगे? जरा गौर करने लायक बात है। कमेंट में भी जरूर बताना कि ये बात मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है या नहीं। कमेंट में अपनी राय जरूर बताना कि भीलों ने ही असल में जो शिव भगवान का नंदी था उससे मारा था या इसके पीछे कोई और साजिश। आज मैं आपको इस सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूं कि दोस्तों, महादेव शिव के पास एक विशाल आदिवासी सेना थी जिनका नाश करना आर्यों के लिए मुश्किल था। ये घटना वहां से शुरू हुई है कि आर्यों ने एक साजिश रची। शिव का अति प्रिय जो पशु था वो था नंदी, जिससे शिव अति प्रेम करते थे। अब आर्यों ने एक साजिश रची जिसके तहत उसने क्या किया कि जो भगवान शिव का नंदी था उसे शिव से अलग कर दिया और इल्जाम डाल दिया भीलों पे कि भीलों ने धन प्राप्ति के लिए महादेव शिव के नंदी को मार दिया है। ताकि इनकी सोच थी कि भील और जो शिव है वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं और अपना रास्ता है वो साफ हो जाए, क्योंकि शिव भगवान के पास ही आदिवासियों की ही सेना थी, वो खुद एक आदिवासी थे और उन्होंने इस साजिश के तहत ये भ्रम फैलाया कि भीलों ने शिव के नंदी को मार दिया, यानी शिव को मरवाने की एक गहरी साजिश रची गई थी आर्यों के द्वारा। लेकिन ये साजिश विफल रही क्योंकि शिव है वो ना समझ नहीं थे, उनको आर्यों के सामदाम दंड भेद की नीतियों से सबसे वो रूबरू थे। वो जानते थे कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चाल चल सकते हैं। आर्यों की शिव भगवान को खत्म करने की जो साजिश थी वो नाकाम रही। ना कि भीलों ने मारा था शिव भगवान के नंदी को, लेकिन आर्यों ने है वो शिव भगवान के नंदी को है शिव से अलग किया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको जानकारी है वो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना, और जो अपने विचार है जो ये भ्रांतियों की, जो भीलों को बदनाम करने की, आदिवासियों को बदनाम करने की जो कथाएं, जो कहानियां लिखी जा रही हैं, क्या वास्तव में वो सही है या इसकी सच्चाई की कुछ और है, तो कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट करके ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।